जी हिंद दोस्तों, तो एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D मोबाइल गेम में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग ट्रेन वर्सेस अलग अलग तरीके के व्हीकल्स का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी टैंक का ट्रेन के साथ आमना सामना कराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एक क्रैश टेस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने टैंक को ट्रेन से लड़ा करके देखा था, तो हुआ कुछ नहीं था। मगर आज हम लोग बहुत सारे टैंक्स को एक साथ इकट्ठा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैंक्स का नंबर जो है वो है 4040। तो अब जल्दी से हम लोग बहुत सारे टैंक्स को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन को स्पीड में लेकर के आएंगे और देखेंगे कि ट्रेन रुकती है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो भाई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक सके। तो ये देखिए हम लोगों ने कितने सारे टैंक्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। एक के ऊपर एक चढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि इनका जो बेस है, सॉरी जो इनका टॉप है वो डिसबैलेंस्ड है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो देखो भाई हम लोगों ने ट्रेन को भी पीछे दौड़ा दिया और ये आ गई भाई ट्रेन। और आपने देखा भाई कितनी हाई स्पीड से कितना स्लो में हो गई। और ये देखो भाई शुरू के जो टैंक्स थे वो तो बिल्कुल देखो हवा में ऊपर चलते ही चले जा रहे हैं। और भाई देखो दो टैंक्स तो भाई फ्रेम के बाहर ही निकल गए हैं और बाकी दो टैंक्स और हैं जो फ्रेम के अभी अंदर है, मगर वो भी बहुत ऊपर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो ट्रेन का इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला इम्पैक्ट है। और अभी ये देखो धीरे धीरे करके जो टैंक्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। और भाई बस एक चीज़ है कि भाई ट्रेन ना रुकने वाली है और ना ही ट्रेन को कोई रोक सकता है ऐसा लग ही रहा है, और ना ही ट्रेन ब्लास्ट होती है और ना ही ट्रेन इन लोगों को ब्लास्ट करती है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि अगर ब्लास्ट हो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। बाकी ये देखिए कितना ज़्यादा, हालांकि इसमें कुछ टूट फाट नहीं हुई क्योंकि भाई टैंक है भाई बहुत ज़्यादा हैवी भी होते हैं प्लस बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ बनाए जाते हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा गर्मी और कितना ख़तरनाक ट्रेन से होकर के ये सब बाहर निकलते हैं और ये रेगिस्तान पहाड़ों में अलग अलग एरियाज़ में ये भाई ट्रैवल करते हैं, टंग वॉर में जाते हैं, तो इस वजह से भाई बहुत ही ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ होता है। तो अभी हम लोग एक बार फिर से इसका आमना सामना करने वाले हैं डायरेक्टली ट्रेन से, देखते क्या होता है। भाई हुआ कुछ नहीं, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इंडियोवर जो थी वो हमारी मैप से बाहर निकल गई थी ट्रेन के नीचे जाने के बाद। तो ये देखो हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये अलट पलट हो गया है, बाकी हमारा जो टैंक है वो है बिल्कुल सही सलामत। तो यार इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।